हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ इजी बटर चिकन रेसिपी। सो उसके लिए हमें थोड़ा चिकन चाहिए, बोनलेस चिकन हो तो बेस्ट है। तो वो लेकर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, रेड चिल्ली पाउडर डाला है और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाला है और इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया है। हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि वो जो है चिकन अच्छा अपना टेस्ट पकड़े और अपना ग्रेवी में अच्छा टेस्ट आए। सो इसीलिए गाइस, मैंने यहाँ पर अपना चिकन मैरिनेशन के लिए रख दिया है जो कि आप देख सकते हो, और ये 15 मिनट्स के लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। और जब तक मैं अपना वेजिटेबल्स जो है वो चॉप करके रेडी रखूँ, तो मुझे थोड़ा अनियंस, थोड़ा टमेटो चाहिए। तो मैं ये टमाटर को जो है अच्छे से काट रही हूँ और मैं इसको छोटा करके काट रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं क्योंकि हम उसको वैसे भी मिक्सी में पीसने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पर कांदा काटने वाली हूँ, अनियन। तो समा के काली करके आपके आँख पे आंसू आ सकते हैं क्योंकि मेरे तो आते हैं, तो समा के काटिए आप। और जब तक हम ये वेजिटेबल्स काटेंगे तब तक 15 मिनट तो हो ही जाएंगे हमारे चिकन के लिए। तो ज़्यादा भी चॉप मत कीजिए आप, क्योंकि आप मिक्सी में तो पीसने वाले हैं। तो चिकन का जो है हो गया 15 मिनट मैरिनेशन का, तो हम फ्राई करते हैं। ये चिकन मैरिनेट हो गया है तो हम यूज करेंगे इनको। मेरे हिसाब से आप स्लो में रखिए क्योंकि ये ऑयल है, तो आप देख सकते हो। आप चिकन को आराम से प्लेस कीजिए, अपने जो स्पून से आप जिस चम्मच से डाल रहे हो अंदर उसमें स्लोली रख उसमें आप रखिए और गैस को स्लो में रखिए। So we're gonna add some oil in there. Onion. Some butter. And हम इसको mix करेंगे। टमाटर add करेंगे, tomato। और इन दोनों चीज़ों को थोड़ा पकाएंगे हम। तो मैं यहाँ पर red chili powder डाल रही हूँ, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना आप डाल सकते हो, मैं थोड़ा कम ही डाल दी हूँ। इसको मिक्स कर दीजिए आप और थोड़ा देर के लिए रख दीजिए, मिक्सिंग होगा। ये सब मसालों को हम मिक्स करके डालेंगे और मिक्सी में पीस के उसे फिल्टर कर देंगे ताकि हमें सब अच्छा एक पेस्ट मिले। पानी डालकर और अच्छे से थोड़ा सा पानी क्वांटिटी डालकर हम उसके फिल्टर कर लेंगे। बटर, क्योंकि ये बटर चिकन है तो बटर ज़रूरी है गाइस, ऐड करें। वी गोना स्टर इट अ बिट ताकि बटर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए ग्रेवी पे। यहाँ पर दूध डालने वाली हूँ जिसपे बहुत सारा भर के मलाई है, तो ये आप कितना से आप डाल सकते हैं आपको क्वांटिटी में। इसको भी हम स्टर करते हैं ताकि वो मिक्स हो जाए और ये जो है टेस्ट को डबल करेगा, अच्छा लगेगा। और हम यहाँ पर अभी चिकन डालने वाले हैं जो हमने फ्राई किया था। अब हम चिकन को जो है ग्रेवी में पकने देंगे, हम 10 से 15 मिनट रखेंगे ताकि अच्छे से चिकन पक जाए उसके अंदर। और हम इसमें थोड़ा कोरिएंडर डालने वाले हैं, कोथमीर डालने वाले हैं। और हाँ, कोथमीर को अच्छे से चॉप कीजिए, बारीक करिए और उसके बाद डाल दीजिए ताकि और टेस्ट अच्छा लगे। उसके बाद कसूरी मेथी, मेथी जो वो सूखा हुआ मेथी मैं थोड़ा क्रश करके डाल रही हूँ। आपको पैकेट मिलता है मार्केट में, वो ख़रीद सकते हैं आप और इसमें डाल दीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो जाए और हेल्दी हो जाए। तो मैं यहाँ पर मिक्स करने वाली हूँ सबको। तो तैयार है हमारा बटर चिकन, अब बिल्कुल ही बिल्कुल 5-स्टार होटल की तरह। होप है कि आप गाइस को अच्छा लगे, आप बनाइए। अगर आप बनाएंगे तो ज़रूर शेयर कीजिए आपको कैसा लगा। मैं आपको मिलती हूँ और एक अच्छे नए इजी वीडियो के साथ, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मीट यू सून विद अनदर वीडियो एंड सुपर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड सी यू, लव यू गाइस।